जब हम सुबह उठते हैं बिस्तर से और जमीन पर अपना पैर रखते हैं, उसका बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रातः उठने पर जिस नाक से स्वर चलता हो, उसी हाथ को मुंह पर फिराकर और वही पैर पृथ्वी पर रखकर बिस्तर पर से उठने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। धीरे धीरे आपकी बीमारियां दूर होने लगती हैं और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो बरसों से अधूरी पड़ी हैं, वो अपने आप ही पूरी होने लग जाती हैं। स्वर चलने का मतलब क्या है, आप देखें। जैसे आपको देखना है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, तो पहले सीधे नाक को अंगूठे से बंद करें और उल्टे नाक से सांस लेकर देखें, ले छोड़े। अगर वो सांस बिल्कुल स्पष्ट चलती हुई दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका उल्टा स्वर चल रहा है। और आपको सीधे को चेक करना है, तो उल्टे नाक को बंद करें दो उंगलियों से और फिर सीधे नाक से सांस ले और छोड़े। अगर वह बिल्कुल हल्का और स्पष्ट स्वर चल रहा है, तो इसका मतलब आपका सीधा स्वर चल रहा है। तो जो स्वर आपका चल रहा हो, उसी हाथ से, यानी सीधा स्वर चल रहा है, सो सीधे हाथ को अपने मुंह पर फिराएं और फिर पृथ्वी पर अपना पैर रखें, और अगर हो सके तो साथ में अपना हाथ भी पृथ्वी माता पर रखें और अपने हाथ के अंगूठे से पृथ्वी को छुएं और उसको 3 बार प्रणाम करें और अपने हाथ के अंगूठे को अपने आज्ञा चक्र से लगाएं, तो ये और भी सोने पर सुहागा होगा। तो आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होंगी, पृथ्वी माँ का आपको आशीर्वाद मिलेगा, दिन भर आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे और हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम प्रिय भक्तों।